आपको बता दें कि यमुना वैली संगम संगठन डाक पत्थर के कार्यकर्ताओं ने विकास नगर में आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान कहा कि आगामी 12, 13 और 14 को होने वाली चतुर्थ विशाल कबड्डी एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन डाक पत्थर स्थित बैराज पार्क में किया जाएगा। गांव वाइज कबड्डी प्रतियोगिता में हिमाचल प्रदेश, जौनसार, बावर, रवाई आदि क्षेत्रों के खिलाड़ी प्रतिभाग करेंगे। जौनसार बावर के सांस्कृतिक कार्यक्रम के माध्यम से जौनसार बावर क्षेत्र के संस्कृति को बचाने के उद्देश्य से विगत 3 सालों से इस कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इस कबड्डी प्रतियोगिता में राष्ट्रीय स्तर ख्याति प्राप्त करने वाले खिलाड़ी प्रतिभाग करेंगे। इस मौके पर प्रेस वार्ता में शामिल होने वालों में हुकम सिंह चौहान अध्यक्ष यमुना वैली संगठन डाक पत्थर, वीरेश चौहान मंच संचालक, राजेंद्र बिष्ट मुख्य संरक्षक, सूर्य शर्मा अध्यक्ष क्रीड़ा आदि मौजूद रहे। गत वर्ष की भांति इस वर्ष भी चौथी बार हम लोग डाक पत्थर बैराज में यमुना वैली संगम संगठन समिति इस बार फिर से एक बहुत बड़ा इवेंट है, बहुत बड़ी प्रतियोगिता है और प्रतियोगिता के तौर पर मैं कहूँ तो सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होगा और खेल कूद प्रतियोगिता भी है। तो कबड्डी गांव वाइज के अलावा और टीमें भी इसमें प्रतिभाग कर सकती है, जैसे कि रवाई, जौनपुर और सिरमौर की टीमें भी इसमें प्रतिभाग कर सकती है। हम लोगों ने इस बार थोड़ा सा दायरा बढ़ाया है। दायरा बढ़ाने का मतलब ये है कि सभी लोगों को इसमें मौका मिलेगा। और दूसरी महत्वपूर्ण बात, जो ये प्रतियोगिता हम लोग चौथी बार करवा रहे हैं और सांस्कृतिक कार्यक्रम ये चौथी बार करवा रहे हैं, इसके पीछे यही कारण है कि हम अपने संस्कृति को बचाना चाहते हैं, अपने संस्कृति का प्रोटेक्शन करना चाहते हैं, संरक्षण करना चाहते हैं और युवाओं को खेलकूद के क्षेत्र में मौका मिलेगा, सभी युवा इसमें प्रतिभाग कर पाएंगे, यही हमारे समिति का उद्देश्य है। इन्हीं सभी शब्दों के साथ मैं यही कहना चाहूंगा कि आप भी जरूर आएगा टूर्नामेंट में 12, 13 और 14 नवंबर को एक बहुत बड़ा प्रतियोगिता होने वाली है डाक पत्थर बैराज में। यहां पर एक समागम होगा, महाकुंभ होगा और वहां पर आप सब लोगों का स्वागत होगा। सर, ये हमारे जो टूर्नामेंट हो रहा है यमुना वैली संगम संगठन का, तो इसमें हमने निर्णायक सारे जो अंतर्राष्ट्रीय लेवल के है, हमारे उत्तराखंड पुलिस के जो साथी है उन्हें बुलाया है, हिमाचल से भी हमने निर्णायक बुलाए है और जो हमने ये इस बार टूर्नामेंट रखा है इसमें हमने पहले हमारी जौनसार बावर की ही टीमें खेलती थी, इस बार हमने हिमाचल, सिरमौर, रवाई, जौनपुर ये टीमें भी शामिल की है और इनके साथ साथ हमने आईडी प्रूफ रखा है, जैसे पहचान पत्र हो गया और राशन कार्ड, ये लाना अनिवार्य है ताकि कोई खिलाड़ी दूसरे गांव का दूसरी टीम में ना खेल सके, क्योंकि इससे हमें 2-3 टूर्नामेंटों में काफ़ी दिक्कत आई है, इसलिए हमने ये जो 2 चीज़ें रखी है तो इसलिए रखी है ताकि कोई टीम दो गांव की बन के ना आए और कोई टीम उनसे हार जाए धोखे में, ये रखा है। कुछ सर अर्जी देनी चाहिए क्योंकि खेल एक ऐसी चीज़ है, इससे एक तो स्वास्थ्य सही रहता है और एक बच्चा नशे की तरफ से मुक्त रहता है। अगर कोई बच्चा खेल की तरफ और खेल लाइन में बढ़ता है तो नशे से बहुत दूर रहता है और खेलने की सर एक बात और भी है, पहले कोई भर्तियाँ नहीं होती थी, आज तो हर विभाग में स्पोर्ट कोटे की जरूरत रहती है, तो जो भी खिलाड़ी खेलेगा मन से धन से तो वो कहीं ना कहीं सक्सेस हो ही पाए। 12, 13, 14 को कार्यक्रम में और 3 दिन कबड्डी है और गांव वाइज कबड्डी रखी गई है। गांव वाइज में जौनपुर, रवाई, जौनसार बावर और सिरमौर खेलेगा और 3 दिन सांस्कृतिक कार्यक्रम है, 3 दिन कार्यक्रम चलेगा, 4 बजे के बाद चलेगा। तो हम ये मैसेज देना चाहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो डाक पत्थर आए। हम लोगों के साथ सबसे पहले तो समिति का सबसे बड़ा योगदान रहता है, जो हमारी समिति है बहुत, मतलब सब लोग, हम कोई ऐसे नहीं हैं कि बहुत बड़े पैसे वाले हैं, हम लोग मतलब चंदा इकट्ठा करके एक जौनसार बावर को मैसेज देना चाहते हैं कि यमुना वैली संगम संगठन का जो ये अपना कार्यक्रम होता है ये मतलब हर साल बढ़ता जा रहा है,